गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है व्याकरण परिचय। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपनी विषय सूची देखेंगे जिसमें हमने आपको कितने चैप्टर अब तक करा दिए हैं। ठीक है, देखिए पीए वन में हमने आपको कराए थे 1-6 चैप्टर, जिसमें हमने आपको 4 और 6 चैप्टर कट करा दिए थे। ठीक है, हमने आपको पीए वन में 4 चैप्टर कराए थे। ठीक है, अब नीचे हमारा स्टार्ट हुआ था पार्ट 5 से हाफ रेली, जिसमें हमने आपको 7-12 चैप्टर कराए थे, जिसमें हमने 10 चैप्टर आपका कट कर दिया था। ठीक, उसके बाद हमारा पीए 2 स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने आपको 13-16 चैप्टर कराए थे, और नीचे आपका एक चैप्टर लिया था मुहावरे और लोकोक्तियां चैप्टर नंबर 21। ठीक है, पीए 2 में कराया था पार्ट 13 में। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी पार्ट 13 ही रही है, जिसमें हमने आपको 21 चैप्टर कराया था। ठीक है, अब हाँ आपका एनुअल स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एनुअल में हम आपको कराएंगे 17-20 चैप्टर। ठीक है, 17-20 पर टिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे एनुअल, ये बना देती हूँ मैं। ठीक है, एनुअल पार्ट 13 तक हमारा कंप्लीट हो गया था पीए 2, तो हम आपका पार्ट 14 से शुरू करेंगे एनुअल। ठीक है, और एक नीचे से 22 चैप्टर लेंगे एनुअल में। ठीक है, यानी आपके 5 चैप्टर आएंगे एनुअल में। तो मैं आज आपको कराऊंगी 17 चैप्टर और 18 चैप्टर। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ टिक करेंगे 17 और 18 पर पार्ट 14 चैप्टर नंबर 17 और 18। ठीक है, सबसे पहले 17 चैप्टर देखते हैं। ये आपका 17 चैप्टर। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं एनुअल स्टार्ट। ठीक है, एनुअल स्टार्ट पार्ट है 14, चैप्टर है 17 समुच्चयबोधक। ठीक है, समुच्चयबोधक बोलते हैं कंजक्शन को। ठीक है, जो आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में देखते हैं समुच्चयबोधक। ठीक है, परिभाषा दी है, परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों की संबंधता सूचित करने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक अथवा योजक कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों और वाक्यांशों को संबंधता सूचित करने वाला, जैसे विभोर और विवेक खेल रहे हैं, तो संबंध से क्या हो गया, विभोर और विवेक खेल रहे हैं, और हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, यानी समुच्चयबोधक हो गया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु वह समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ परंतु से क्या हुआ, दो सेंटेंस जुड़ गए और संबंध क्या हो गया, संबंधता जता रहे हैं इसमें। इन वाक्यों को पढ़े व समझे, इनके क्रमश और तथा परंतु शब्द वाक्यों को जोड़ रहे हैं। यहाँ और से दो शब्द जुड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ दो वो जुड़ रहे हैं सेंटेंस, किससे, परंतु से। ठीक है, ये समुच्चयबोधक है, ये हाईलाइटेड वर्ड ही हमारे क्या है, समुच्चयबोधक है। समुच्चयबोधक के भेद देखिए, समुच्चयबोधक शब्दों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, संयोजक, विभाजक, विल्पसूचक। ठीक है, संयोजक देखते हैं सबसे पहले। संयोजक समुच्चयबोधक शब्द, संयोजक का अर्थ है जोड़ना। क्या अर्थ होता है संयोजक का, अर्थ जोड़ना। इसका अर्थ है जो समुच्चयबोधक शब्द वाक्यों को आपस में जोड़े वह संयोजक समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे और तथा एवं। ठीक है, जैसे दीप्त तथा जोया नाच रही है, दीप्ति तथा जोया नाच रही है, राम और लक्ष्मण भाई थे। ठीक है, तथा और क्या है, हमारे संयोजक हैं, जोड़ रहे हैं। ये विभाजक देखते हैं, विभाजक का अर्थ है बट जाना। ठीक है, बट जाना, अर्थात जो समुच्चयबोधक शब्द वाक्य को बांट रहे हैं वे विभाजक समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे तो, ताकि, परंतु, इसलिए, तथपि, अगर आदि। ठीक है, जो क्या करते हैं, बट जाते हैं। सरिता नहीं आ सकती क्योंकि उसकी सास बीमार है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, बांट दिया। कविता ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह सफल ना हो सकी। विल्प सूचक समुच्चयबोधक शब्द देखेंगे, विल्प विकल्प का अर्थ होता है किसी को चुनना। ठीक है, किसी को चूज करना, अर्थात ऐसे समुच्चयबोधक शब्द जिसके द्वारा किसी एक को चुनना हो वह विल्प सूचक समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे अन्यथा, या,
चाहे अथवा। देखिए एग्जाम्पल लेके, जैसे मुझे बढ़िया स्कूटर या कार चाहिए, तो क्या हुआ इसमें चुना हमने, मुझे बढ़िया स्कूटर या से क्या हो गया हमारा चूज में हो गया, कार चाहिए, बड़ों का कहना मान लो अन्यथा पछताओगे। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, विकल्प सूचक हो गए। संयोजक होता है जोड़ना, विभाजक होता है बट जाना, और विकल्प होता है हमारा चुनना। ठीक है, यहाँ हमारा ये होता है चैप्टर। आगे देखेंगे, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, आगे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, अभ्यास कार्य ध्यान से देखेंगे। सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए, जो सही है इसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। विभोर और विवेक खेल रहे हैं, इनमें कौन सा शब्द वाक्यों को जोड़ रहा है, और खेल विवेक और विवेक और खेल। ठीक है, तो ये हमारा और इसमें क्या है, विभोर और विवेक को खेल रहे हैं, तो और हमारा क्या है वाक्य को जोड़ रहा है, तो और पे राइट कर देंगे। ठीक है, संयोजक का अर्थ होता है तोड़ना, जोड़ना, आवा दोनों इनमें से कोई नहीं, संयोजक का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे राइट कर देंगे। विकल्प का अर्थ है चाहना, पसंद करना, विकास, किसी को चुनना। विकल्प का अर्थ होता है किसी को चुनना, यानी फोर्थ ऑप्शन पर राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको फर्स्ट थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है, या सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है, या फोर्थ ऑप्शन पर राइट करना है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, दिए गए शब्दों के रिक्त स्थानों में समुच्चयबोधक शब्द भरिए। ठीक है, हमें रिक्त स्थानों में क्या करना है, समुच्चयबोधक शब्द भरने हैं। लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा फिल होगा और। वह बुद्धिमान है इसलिए सब उसका सम्मान करते हैं, इसलिए। ठीक, तुम्हें हिंदी पढ़नी है और अंग्रेजी। ठीक है, तो हम इसे या लिख सकते हैं क्योंकि हमें चुनना है। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, या कर सकते हैं, तुम्हें या अंग्रेजी, ये हमारा विकल्प हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे जनिंदर पर ना आ सका क्योंकि मैं विदेश गया था, क्योंकि। ठीक है, प्रीति अच्छी गायिका है लेकिन अच्छी लेखिका नहीं। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं या परंतु लिख सकते हैं। ठीक है, दिए गए समुच्चयबोधक को अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। ठीक है, अब इसे आपको होमवर्क दिया है मैंने, इसे आपको खुद करना है। जैसे आप जुमले करते हैं उर्दू में, सेंटेंस इंग्लिश में, इसे आपको उसमें क्या करना है, आपको सेंटेंस में वाक्य में यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारे समुच्चयबोधक शब्द हैं, इनको आपने वाक्य में यूज़ करने हैं आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हमारे रह गए हैं चैप्टर में प्रश्नोत्तर, तो सभी बच्चों कॉपी खोलेंगे हिंदी ग्रामर की, उसमें देखते हैं। ठीक है, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है, यही है। एनुअल स्टार्ट लिखेंगे सभी बच्चे, एनुअल स्टार्ट हो चुका है हमारा, पार्ट 14 शो करेंगे, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पार्ट चैप्टर लिखेंगे 17 समुच्चयबोधक। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हेडिंग लिखेंगे ये वाली अपनी, फिर हमारा सबसे पहले प्रश्न पूछा गया समुच्चयबोधक की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है, देखिए समुच्चयबोधक की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, उत्तर लिखेंगे अपने बुक से, यहाँ आपको दिया है, दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों की संबंधता सूचित करने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक अथवा योजक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिखना है, फिर इसको एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं, विभोर और विवेक खेल रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर नंबर 1 है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और जैसे कर लिखेंगे उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर है हमारा 55। ठीक है, पेज नंबर 55 मैं यहाँ शो कर देती हूँ सभी बच्चों को, पेज नंबर 55 से अपना आंसर लिखना है। ठीक है, अब आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, समुच्चयबोधक के कितने भेद हैं। ठीक है, कॉपी पर लिखेंगे सभी बच्चे इस तरीके से, समुच्चयबोधक के कितने भेद हैं, देखिए तो यहाँ दिया हुआ है, समुच्चयबोधक शब्दों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखेंगे, संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक। ठीक है, यह आपका सेकंड आंसर है।
सेम पेज नंबर से ही आपको आंसर नंबर सेकंड लिखना है। तो आंसर नंबर सेकंड पे मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ, पेज नंबर 55। ठीक, अब आगे देखेंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाता है, दोनों दो प्रश्न पूछे गए थे हमारे चैप्टर में, हमने दोनों प्रश्न के आपको आंसर बता दिए, उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है। ठीक है, बुक पर ये आपको अपने सही विकल्प के सामने राइट का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए, ये भी आपको बुक पर रखना है, ये भी आपको बुक पर रखना है, और ये आपको होमवर्क में दिए गए हैं। ठीक है, आपको इन्हें अपने वाक्यों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अपने प्रश्नोत्तर कॉपी पर करेंगे। यहाँ हमारा होता है 17 चैप्टर कंप्लीट पार्ट 14 में। ठीक है, पार्ट 14 में मैंने आपको एक चैप्टर और बताया था, चैप्टर नंबर 18, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ भी मैं शो कर देती हूँ, पार्ट 14 चैप्टर 18 है, क्रिया विशेषण एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, क्रिया विशेषण देखते हैं हम हिंदी ग्रामर में। ठीक है, एडवर्ब को ही बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा, जिस शब्द से किसी क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसकी भी हम उसकी विशेषता खूबी बताएं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, हाथी धीरे धीरे चलता है। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, चलता है लेकिन कैसे, धीरे धीरे। चलना हमारा क्या है, क्रिया है, और धीरे धीरे क्या होगा, चलना है लेकिन धीरे धीरे है, दौड़ता है लेकिन तेज। ठीक है, खेल रहा है बाहर, गाती है लेकिन मधुर। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, उसकी अच्छाई या बुराई जो भी हम उसको जाहिर करेंगे उसको हम क्या करेंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है, हाथी धीरे धीरे चलता है धीरे धीरे, चलना हमारा वर्ब यानी क्रिया हो गया, और धीरे धीरे हमारा हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, उसकी विशेषता, ये हाइलाइटेड विट सारे आपकी क्या है, क्रिया विशेषण है। ऊपर के रंगीन शब्दों को देखिए, ये सभी अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ये सभी क्रिया विशेषण है। हाथी कैसा चलता है, धीरे धीरे, कि मैंने आपको बताया क्रिया की विशेषता बता रहा है। घोड़ा कैसा दौड़ता है, तेज। रोहन कहाँ खेल रहा है, बाहर। शिखा कैसे गाती है, मधुर। ये क्या है, सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। गाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया के विशेषण के, क्रिया विशेषण के भेद देखेंगे, क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीति वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए स्थानवाचक देखेंगे सबसे पहले, स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो क्रिया विशेषण स्थान या दिशा का बोध कराए। ठीक है, जो क्रिया विशेषण स्थान का और दिशा का बोध कराती है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ, तहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, चारों ओर, पास आदि। ठीक है, ध्यान दें, क्रिया में कहाँ का प्रश्न करने से यदि उसका उत्तर आए तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, लंगूर ऊपर बैठा है, तो ऊपर लंगूर कहाँ बैठा है, ऊपर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, गिलास नीचे गिर गया, तो कहाँ गिर गया, नीचे, तो यह स्थान बता रहा है, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो, तो कहाँ से क्या हो गया, स्थान पूछ रहा है वो। जितेंद्र पीछे गया है, तो पीछे स्थानवाचक हो गया। ऊपर उधर जाना मना है, तो उधर स्थानवाचक हो गया। ये सब हमारे क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऊपर के वाक्यों में ऊपर, नीचे, कहाँ, पीछे, उधर, सभी शब्द क्रिया के होने का स्थान या दिशा बता रहे हैं, अतः एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम, काल का अर्थ है समय। ठीक है, काल सभी को पता है किसे कहते हैं, समय। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का समय या काल को बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, पहले, कब, सदैव, निरंतर, कभी, कभी आदि। ठीक है, ध्यान दें, क्रिया में कब का प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त हो उसे समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम अभी आए हो, कब आए हो, अभी, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है।
शुभम दिन भर खेलता है। कश्मीर में बर्फ निरंतर पड़ रही है। हम कभी कभी स्कूल जाते हैं, ये कब आएगा? ठीक है, ये कालवाचक है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? समय का पूछा गया है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ऊपर के वाक्यों में अभी, दिन भर, निरंतर, कभी कभी, कब, सभी शब्द क्रिया का काल बता रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषक है। ठीक है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी देखिए अब क्या है, परिमाण का अर्थ है माप तोल। जो शब्द क्रिया या क्रिया के परिमाण या मात्रा को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे भारी, काफी, तनिक, ज्यादा, थोड़ा सा, पर्याप्त आदि। ध्यान दें, क्रिया में कितना का प्रश्न करने से उत्तर में जो कुछ प्राप्त हो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कल टंकी में पानी कम चढ़ा था, चढ़ा क्रिया हो गया, कम क्या हो गई, क्वांटिटी बता रहा है, थोड़ा, ज्यादा, कितना है। ठीक है, तो ये कम परिमाण यानी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। पानी कितना चढ़ा, कम, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उसका कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, कितना, बहुत, क्वांटिटी बता रहा है। इस कार्यक्रम में भीड़ कुछ अधिक है। धवल बहुत कम खेलता है। ऊपर दिए गए वाक्य में कम, बहुत, अधिक, सभी शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं। ठीक है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। परिमाण यानी परिमाण का अर्थ यानी माप तोल होता है, क्वांटिटी होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर, रीति का अर्थ तरीका या ढंग होता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया रीति या रीति का बोध कराते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज, जोर जोर से आदि। ध्यान दें, क्रिया में कैसे का प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहला होगा। तांगा धीरे धीरे चल रहा था, तांगा धीरे चल रहा था, तांगा कैसा चल रहा था, धीरे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ढंग बता रहा है उसका कैसा चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो मोना तुम जल्दी आओ, ठीक है, जल्दी आओ, ठीक है, तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है, मैं अवश्य आऊँगी। बच्चों ने बारी बारी से कविता सुनाई। ऊपर दिए गए वाक्यों में धीरे, जल्दी, अवश्य, बारी बारी, सभी शब्दों से क्रिया के होने के ढंग का पता चल रहा है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ भी मैं आपका पार्ट शो कर देती हूँ। पार्ट है अभी आपका चल रहा है 14, अभ्यास कार्य है। देखिए, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाना, जो सही होगा उसके सामने आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। माँ उन्हें डैश पंखा झलने लगी, जैसे, कितना, धीरे धीरे, उतना, माँ उन्हें धीरे धीरे पंखा झलने लगी, थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। ठीक है, मोहन चारपाई डैश लेटा है, पर, पीछे, अंदर, बाहर, पर, मोहन चारपाई पर लेटा है। कुछ देर पहले निम्मी की बहन निर्मित डैश आई, यहाँ आई, वहाँ आई, कहाँ गई, जहाँ, तो कुछ देर पहले निम्मी की बहन निर्मित यहाँ आई। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर ही राइट करेंगे। अब आपका है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यह हम आपको कॉपी पर कराएंगे। दिए गए क्रिया विशेषता विशेषणों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। देखिए, वाक्य बनाने हैं, मैंने वाक्य बना लिए हैं। देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे माँ उन्हें धीरे धीरे पंखा झलने लगी, जल्दी मोना तुम जल्दी जाओ। ठीक है, बाहर बच्चा बाहर खेल रहा है, अचानक, कल मोना अचानक गिर गई, अधिक, इसलिए, इस कार्यक्रम में भीड़ कुछ अधिक है, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, उधर, उधर जाना मना है, ऊपर, रवि ऊपर छत पर खेल रहा है। ठीक है, यह हमारे क्या है, ये हमारे वाक्य कंप्लीट हो गए। दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण शब्दों की रेखांकित कीजिए। धीरे, बहुत, ठीक है, खुश होकर, तो क्या, कैसे बोला था वो, खुश होकर, ज्योति मधुर गीत गाती है, तो मधुर, धीरे, बहुत, ये सब हमारे क्या हैं, इनको क्या करना है, दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। आपको क्या करना है, क्रिया विशेषण, सुरेंद्र ने घर में धीरे से प्रवेश किया, तो प्रवेश किया कैसे, लेकिन धीरे से, दिल्ली में घर बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, बहुत को हम क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो सभी को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करनी है।
नीच अब आपको दिया है, अब आपके चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। सभी बच्चों को क्या करना है, सेकंड आपके ऑप्शन रह गया है कॉपी पर करना है प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी पर कॉपी निकालेंगे, ठीक है। ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है, सभी बच्चे ओपन करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको 17 चैप्टर कराया था, सेम 18 लिखेंगे। पार्ट शो करेंगे, पार्ट 14 डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पार्ट 18 चैप्टर 18 लिखेंगे, चैप्टर का नाम है क्रिया विशेषण, ठीक है। सेम हेडिंग लिखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चों को लिखना है क्रिया विशेषण के चारों भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। क्या करना है, क्रिया विशेषण के आपके चारों भेदों का एक एक उदाहरण लिखना है। चार भेद दिए हुए हैं, उसमें से आपको क्या करना है, एक एक भेद लेना है और लिखना है, ठीक है। चारों वेद में सबसे पहले स्थानवाचक का लिखना है, लंगूर ऊपर बैठा है, ठीक है। तो फर्स्ट लिख देंगे आप, नाम लिखेंगे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उदाहरण लिखेंगे लंगूर ऊपर बैठा है, ठीक है। फिर देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे सेकंड, ठीक है। सेकंड लिखेंगे उसका लिख देंगे तुम अभी आए हो, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे उसका उदाहरण लिख देंगे कल टंकी में पानी कम चढ़ा था, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिख देंगे उसके बाद लिखेंगे तांगा धीरे चल रहा था, ठीक है। सभी बच्चों को यही कॉपी पर लिखना है, ठीक है। यह आपको बुक से खुद करना है सभी बच्चों को। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, सबसे पहले आप आंसर क्वेश्चन लिखेंगे बुक से और आंसर लिखने के बाद लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। मैं आपको एक करके बता देती हूँ। ठीक है, नंबर वन डालना है आपको, लिखना है स्थान वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आपको उसका उदाहरण लिखना है, यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको कौन सा बताया, लंगूर ऊपर बैठा है। तो लंगूर ऊपर बैठा है, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड लिखना है, सेकंड लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। नंबर टू डाल के फिर लिखोगे तुम अभी आए हो, ठीक। ऐसे ही थर्ड लिखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, फिर लिखेंगे कल टंकी में पानी कम चढ़ा था, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे तांगा धीरे चल रहा था, ठीक है। यह आपका बुक से खुद करना है। आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट आंसर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा स्पेस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, मैंने कम दी है, आपको ज़्यादा देनी है, ठीक है, क्योंकि आपको चार वेदों के उदाहरण देने हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहीं देखेंगे। ये आपको ये वाला लिखना है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड आंसर, ठीक है। पेज नंबर रहेगा आपका 57, ठीक है। पेज नंबर 57 से आपको दूसरा आंसर लिखना है, पेज नंबर 57 से आपको परिभाषा लिखनी है। फिर थर्ड है कालवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में अंतर बताइए, कालवाचक और तथा रीतिवाचक में हमें अंतर बताना है। तो देखेंगे आगे कालवाचक और रीतिवाचक, कालवाचक आपको दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, कालवाचक यहाँ से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। थर्ड आंसर है आपको, पहले यहाँ से यहाँ तक इसे लिखेंगे, फिर रीतिवाचक का लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। पहले कालवाचक के बारे में लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर रीतिवाचक का लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पेज नंबर 58 से आपको यह आंसर लिखना है, पेज नंबर 58 यहाँ आपको दिखा हुआ है, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 से आपको थर्ड आंसर लिखना है। पेज नंबर मैं शो कर देती हूँ, पेज नंबर 58 से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका पार्ट 14 के चैप्टर नंबर 18 के प्रश्नोत्तर कंप्लीट होता है, ठीक है। सभी बच्चों को अपना पार्ट 14 अच्छे से ध्यान से सुनना है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने क्या कराया है आपको, यहाँ पर इसके एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है, नीचे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। ऐसे चैप्टर 18 आपको समझाया, उसके बाद मैंने आपको पार्ट 14 में सारी एक्सरसाइज कराई है उसके और प्रश्नोत्तर कराए हैं, ठीक है। सभी बच्चे प्रश्नोत्तर ध्यान से करेंगे, एक भी आंसर गलत नहीं करेंगे,
ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ पार्ट 14 कंप्लीट होता है, एनुअल स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।